हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब कोई एक पासा दिया गया हो और उसका विपरीत में पूछे तो हम लोग कैसे उसके क्वेश्चन को करेंगे, तो वही आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है कि इसके विपरीत में हमारा क्या होगा जब सिर्फ केवल एक पासा दिया गया हो। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था डाइस की, कि आखिर हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और हमारी जनरल डाइस क्या होती है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस है या फिर हमारी जनरल डाइस है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग यूनिवर्सल डाइस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक डाइस भी बोलते हैं, हिंदी में उसे मानक पासा भी कहा जाता है। तो जो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है उसके विपरीत सरफेसेस का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 7 होता है। अपोजिट सरफेसेस का हमारा टोटल कितना होता है, 7 होता है। अगर बाय चांस किसी डाइस में उसके एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 हो जाता है तो वो हमारी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। तो देखिए, इस वाले डाइस में इसकी ना तो कोई एडजेसेंट सरफेस हमारी टोटल सम 7 नहीं हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं, ये हमारी जनरल डाइस है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारी स्टैंडर्डाइज है क्योंकि इसमें हमारी जो अपोजिट सरफेसेस हैं या फिर बोल सकते हैं एडजेसेंट सरफेसेस, उसका सम हमारा 7 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा है स्टैंडर्डाइज, तो जनरल डाइज ये नहीं है। तो इसका सम कितना होता है अपोजिट सरफेसेस का, तो टोटल सरफेसेस का हमारा जो अपोजिट सरफेसेस का सम जो होता है टोटल, वो 7 होता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2 के विपरीत में, तो 2 के विपरीत में हमारा क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत में हमारा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत में हमारा 5। अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में हमारा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा हमारा, 3 के विपरीत में 4 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 1 के विपरीत में हमारा क्या होगा, तो 1 के विपरीत में हमारा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत में हमारा 6। तो क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्डाइज होता है उसके अपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है, इसलिए 2 का पूछा गया है तो हमारी दूसरी सरफेस क्या होगी, 5 होगी अपोजिट सरफेस। 3 का अगर पूछता तो हमारी अपोजिट सरफेस जो आती है 4। अगर 1 का पूछता तो अपोजिट सरफेस जो आती है 6। इसी तरह जस्ट इसका अपोजिट अगर 5 का पूछ लेता तो क्या होती है हमारी अपोजिट सरफेस, 2। अगर 4 का पूछता तो अपोजिट सरफेस हमारी हो जाती है 3। अगर 6 का पूछता तो अपोजिट सरफेस हमारी हो जाती है 1। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें पूछ रहा है 4 के विपरीत में हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यह डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस है या फिर हमारी जनरल डाइस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है यहीं पर 7 हो गया। तो अगर एडजेसेंट सरफेसेस का सम हमारा 7 हो जाता है तो यह हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्डाइज होती है, मानक पासा होता है, उसका अपोजिट सरफेसेस का सम ही सिर्फ हमारा 7 होता है। तो यह डाइस हमारी कैसी है, जनरल डाइस है। तो अगर इसमें पूछा गया 4 के विपरीत में, तो आपको देखना है 4 के एडजेसेंट सरफेसेस में कौन कौन से नंबर है, 5 है और 3। तो 4 का अपोजिट हमारा ना तो 5 हो सकता है और ना ही हमारा 3 हो सकता है। तो ये दोनों तो हमारे अपोजिट में आ ही नहीं सकते क्योंकि इसके एडजेसेंट सरफेसेस पे ही ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 और 5। तो हमारा इसका अपोजिट क्या हो सकता है, तो या तो 1 हो सकता है इसके अपोजिट में, या तो हमारा 2 हो सकता है, या तो हमारा क्या हो सकता है इसमें, या तो हमारा 6 हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, 6। ये 3 हमारे जैसे जो भी ऑप्शन में हमारा होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसमें 4 के अपोजिट पूछा गया है हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है डाइस हमारी जनरल है या फिर हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें देखिए एडजेसेंट सरफेसेस का टोटल ही हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। तो टोटल हमारा 7 हो गया, तो इसका मतलब यह डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मानक पासा नहीं है, यह हमारा पासा है जनरल डाइस।
तो हमसे चार का विपरीत में पूछा है, तो चार के एडजेसेंट सरफेसेस पे पांच है, चार के एडजेसेंट सरफेसेस पे हमारा तीन है, तो अपोजिट में हमारा तीन और पांच हो ही नहीं सकता। तो इसका अपोजिट में हमारा क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है अपोजिट में, या तो दो हो सकता है अपोजिट में, या तो छह हो सकता है। जो भी ऑप्शन में आपको दे रखेगा इन तीनों में से, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई एक देगा, या तो फिर दोनों देगा, या फिर तीनों भी दे सकता है, तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है, इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टाइप लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।